ये कहानी बहुत से परिवारों से जुड़ी है, उन सबको रुला देगा जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अरे बोलू, सुनती हो? जी माँ जी, बोलिए। बेटा सुबह से काम कर रही हूँ, दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक तुम्हारा नहाना बाकी है। चलो बेटा जल्दी नहा लो। सुबह से मैं ऑनलाइन हूँ, काम कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता, दिख नहीं रहा कि मैं कितनी बिजी हूँ और आपको नहाने की पड़ी है। आपको तो कुछ काम है नहीं, लॉकडाउन से पहले भी फ्री में बैठे हुए थे, अभी भी फ्री बैठे हुए हो और मुझे डिस्टर्ब करना है। दरअसल मैं ये सोच रही थी आज हम दोनों मिलके खाना पका लेते। अच्छा, तो खाना भी अब तक नहीं बनाया आपने, मेरे भरोसे बैठे हुए थे कि मैं खाना बनाऊंगी, थोड़ा तो सोचा करो कम से कम यार। मैं इतनी बिजी हूँ सुबह से लेके शाम तक और आपने खाना भी नहीं बनाया, उसके लिए भी मुझसे उम्मीद लेके बैठे हुए हो। बेटा मेरा ये मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर वापस आऊँ, खाना बना के रखना अपने लिए भी और मेरे लिए भी। क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या हुआ? दिख नहीं रहा मैं कितनी बिजी हूँ? हाँ मुझे पता है, तुम सुबह से काम कर रही हो, कुछ खाया पिया नहीं। चलो पहले कुछ खा लो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। आपको पता है मेरा कितना टाइट शेड्यूल है और आपको खाने की पड़ी है? इंटीरियर डिजाइनिंग करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्किंग वर्क होता है, कितने सारे डिजाइन्स रोज आते हैं, रिजेक्ट होते हैं, रिक्रिएट करने पड़ते हैं और आप यहाँ पे खाने का अलार्म लगा रहे हो। अरे बहू मेरी बात तो सुनो। ओह गॉड, ये सासू माँ भी ना ऐसे नहीं मानने वाली। चलिए खा लेते पहले। क्या हुआ तुषार, क्यों इतना परेशान हो? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? हमारे शहर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, बाहर माहौल ठीक नहीं है, हर रोज केसेस पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। आई डोंट नो व्हाट टू डू, बहुत से लोग पैनिक हो रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग का काम? काम? मेरा काम? मैं काम करने बैठूंगी तब काम होगा ना। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सुबह से लेके शाम तक घर का सारा काम करना होता है मुझे, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, झाड़ू करो, पोछा करो और आपकी मम्मी जी 1 बजे तक सोते रहते हैं, उनको बिल्कुल मेरी परवाह है ही नहीं। आज घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैंने शाम की इतनी इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया लेकिन उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। क्या आइए तो जरा। हाँ क्या हुआ बेटा? क्या चल रहा है इस घर में? क्या चल रहा है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? बाहर लॉकडाउन का माहौल है, लोग इतने टेंशन में हैं, हर एक परिवार एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहा है और आप आकांक्षा के साथ ये व्यवहार कर रहे हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। लेकिन मैंने क्या किया? अच्छा तो आपको मेरे मुंह से सुनना है कि क्या हुआ है? देखिए मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है, तो आप देख लीजिए। अब कोई कह दे क्या होती है माँ? या ओके, सी यू सून, बाय बाय। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा। जरा इधर आइए। हाँ आती हूँ। हाँ बेटा क्या हुआ? माँ जी मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, सर बहुत दुख रहा है। 5 मिनट रुको बेटा, मैं अब भी लाती हूँ। हाँ बेटा चाय। छी, कितनी घटिया चाय बनाई है आपने ये। क्या हुआ बेटा? ऐसी वाहिया चाय कौन बनाता है? जानबूझकर आपने ऐसी चाय बनाई है।
मैं तो अच्छा सब बनाया बेटा। ओ अब समझी, कल मैंने तुषार से आपकी शिकायत कर दी थी तो उस बात का बदला ले रहे हो ना आप मुझसे ऐसी गंदी सी चाय बनाकर। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अच्छा से बना दिया। कुछ अच्छे से नहीं बनाया है आपने, जानबूझ के सब कुछ किया है। कुछ नहीं सुनना है मुझे, ले जाइए कप और आप चले जाइए मेरे रूम से बाहर। बेटा मैं फिर से बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी, जाइए आप। बेटा आज मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, घर में दवाई भी नहीं है, मेरे लिए मेडिकल से थोड़ा दवाई ला देना बेटा। तो मैं अब आपके लिए अपना काम छोड़ के मेडिकल से दवाई लेने के लिए जाऊं? आपको जरा सा भी नहीं सोचना, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई तो क्या हो गया, शाम को तुषार आएगा तो देख लेगा ना। बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे काम के बीच में ना आपको बहुत आदत हो गई है टांग अड़ाने की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना आपका, बस बहाने बना लो और कुछ नहीं। नहीं नहीं बेटा सही में ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई है जो आपको अभी की अभी दवाइयां चाहिए, तुषार आएगा तो देख लेगा आपको, और वैसे भी ये सारे बहाने बनाना बंद कीजिए आप, मुझे तो बस बहाने ही लग रहे हैं आपके, जब देखो तब एक मौका चाहिए मेरे काम के बीच में डिस्टर्बेंस लाने का। मैंने सब सुन लिया है एक्चुअली। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं आकांक्षा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुषार तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो सच है, और उस दिन भी क्या हुआ था ना वो भी मैं आज पूरी तरह समझ चुका हूँ। तुषार ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं अपने काम, तुम कोई सफाई मत दो बस करो, देश भर में हर रोज इतने केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसे हम इस वायरस को हरा पाएंगे। और तुम्हें एक बात बता दूं, माँ भी एक कोरोना वॉरियर है, जिस तरह डॉक्टर नर्सिस गवर्नमेंट और पुलिस हमारी रक्षा कर रही इस वायरस से, उसी तरह माँ भी घर में रहकर इस वायरस से हमको बचा रही है। तो आप माँ की वैल्यू कीजिए, लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा हमारे लिए किसी ने काम किया है तो वो माँ है। नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, हमारा बहू बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू देखा, ये होती है माँ।